यू हैव वट इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल, गो फॉर इट एंड मेक ए डिफरेंस। विद दिस कोट आई वेलकम यू ऑल इन टूडेज लेक्चर। कोरोना महामारी से खुद को बचाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा विकसित कोवा ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें और मिशन फतेह को कामयाब बनाने में अपना योगदान दें। इसके साथ साथ हमेशा ही कुछ नियमों का पालन करें, जैसे मास्क पहनें और हाथों को साबुन या सैनिटाइज़र से साफ़ रखें, हाथ मिलाने और आंख नाक मुंह को छूने से परहेज करें, लोगों में ज्ञान और जागरूकता फैलाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमने लास्ट लेक्चर नंबर 5 में वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के वेरियस पार्ट्स जैसे कि कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल्व, इवेपोरेटर और इनके फंक्शंस को स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ वेपर कंप्रेशन सिस्टम को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वेरियस अजम्पशंस वाइल ड्राइंग टेम्परेचर एंट्रोपी या TS या T5 डायग्राम, प्रेशर एंथैल्पी या PH चार्ट, रेफ्रिजरेंट की डिफरेंट कंडीशंस को T5 या PH डायग्राम पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन और इवेपोरेशन प्रोसेसेस को T5 और PH डायग्राम पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ड्राई, वेट एंड सुपर हीटेड कंप्रेशन, और लास्ट में हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग एंड सुपर हीटिंग। नाउ टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज अजम्पशंस वाइल ड्राइंग टेम्परेचर एंट्रोपी और TS और T5 चार्ट। टेम्परेचर एंट्रोपी चार्ट ड्रा करते टाइम हम कुछ कंडीशंस को अज्यूम करते हैं, जैसे कि जो रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर से कंप्रेसर के अंदर एंटर करता है वो ड्राई सैचुरेटेड स्टेट में एंटर करता है, कंप्रेसर के अंदर वेपर्स को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस द्वारा कंप्रेस किया जाता है, सिस्टम के अंदर कोई प्रेशर लॉस नहीं होता, कंडेंसर के अंदर रेफ्रिजरेंट की अंडर कूलिंग नहीं की जाती और कंप्रेसर को चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड वर्क होता है वो हीट रिजेक्टेड और हीट एब्जॉर्ब्ड के डिफरेंस के बराबर होता है। नेक्स्ट हम प्रेशर एंथैल्पी या PH चार्ट को डिस्कस करेंगे। इस चार्ट में वर्टिकल ऑर्डिनेट प्रेशर को और हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट एंथैल्पी या टोटल हीट को रिप्रेजेंट करता है। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन AB और सैचुरेटेड वेपर लाइन BC जिस पॉइंट B पर आपस में मिलते हैं उसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है उसे क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन AB के लेफ्ट की तरफ जो स्पेस है उसे सब कूल्ड या सुपर कूल्ड रीजन कहते हैं, जबकि सैचुरेटेड वेपर लाइन BC के राइट की तरफ जो स्पेस है उसे सुपर हीटेड वेपर रीजन कहते हैं। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन AB और सैचुरेटेड वेपर लाइन BC के बीच की स्पेस को वेट वेपर रीजन कहते हैं। अब हम टेम्परेचर एंट्रोपी और प्रेशर एंथैल्पी चार्ट पर रेफ्रिजरेंट की कंडीशंस को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। इन डायग्राम्स में AB सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और BC सैचुरेटेड वेपर लाइन है। अगर कोई रेफ्रिजरेंट सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में है तो उसे हम सैचुरेटेड लिक्विड लाइन AB के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, इन डायग्राम्स में पॉइंट्स GH, I और J सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कोई रेफ्रिजरेंट सैचुरेटेड वेपर स्टेट में है तो उसे हम
सैचुरेटेड वेपर लाइन बी सी के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, इस डायग्राम में पॉइंट्स के एल एम और एन सैचुरेटेड वेपर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कोई रेफ्रिजरेंट वेट वेपर स्टेट में है तो उसे हम कर्व्स ए बी और बी सी के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, इस डायग्राम में पॉइंट्स पी क्यू आर और एस वेट वेपर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई रेफ्रिजरेंट सब कूल्ड लिक्विड स्टेट में है तो उसे हम सैचुरेटेड लिक्विड लाइन ए बी के लेफ्ट की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि पॉइंट्स 1, 2, 3 और 4। जबकि अगर कोई रेफ्रिजरेंट सुपर हीटेड स्टेट में है तो इसे हम सैचुरेटेड वेपर लाइन बी सी के राइट में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि पॉइंट्स 11, 12, 13 और 14। अब हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की चारों प्रोसेसेस यानी कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन और इवेपोरेशन को टेम्परेचर एंट्रोपी और प्रेशर एंथैल्पी चार्ट पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। कंप्रेशन प्रोसेस आइसेंट्रोपिक या कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस को फॉलो करती है और इसे हम टी एस चार्ट के ऊपर एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन 1-2 जबकि पी एच चार्ट के ऊपर एक कर्व 1-2 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग कंडेंसेशन प्रोसेस टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम टी फाई और पी एच चार्ट के ऊपर एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन 2-3 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपेंशन प्रोसेस को हम टी फाई चार्ट के ऊपर एक कर्व 3-4 और पी एच चार्ट के ऊपर एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन 3-4 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस की तरह इवेपोरेशन प्रोसेस में भी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होते हैं, इसलिए हम इस प्रोसेस को टी फाई और पी एच चार्ट के ऊपर एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन 4-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट की कंडीशन से रिलेटेड अलग अलग केसेस को स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस इज व्हेन द वेपर इज ड्राई एंड सैचुरेटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। सबसे पहले हम इस कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग टी एस और पी एच चार्ट ड्रा करेंगे, क्योंकि हमें गिवन है कि कंप्रेशन के बाद यानी पॉइंट 2 पर रेफ्रिजरेंट ड्राई और सैचुरेटेड स्टेट में है, इसलिए हमने पॉइंट 2 को सैचुरेटेड कर्व के ऊपर मार्क किया है। इन दोनों डायग्राम्स में कंप्रेशन प्रोसेस को 1-2 से रिप्रेजेंट किया गया है। पॉइंट 1 की पोजीशन से हमें पता चलता है कि रेफ्रिजरेंट वेट वेपर स्टेट में कंप्रेसर के अंदर एंटर हो रहा है, जबकि पॉइंट 2 की पोजीशन से हमें पता चलता है कि रेफ्रिजरेंट कंप्रेशन के बाद सैचुरेटेड वेपर स्टेट में कंप्रेसर से बाहर आ रहा है। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस को दोनों डायग्राम्स में 2-3 से रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें पॉइंट 2 की पोजीशन से हमें पता चलता है कि रेफ्रिजरेंट सैचुरेटेड वेपर स्टेट में कंडेंसर के अंदर एंटर कर रहा है और पॉइंट 3 की पोजीशन से हमें पता चलता है कि रेफ्रिजरेंट कंडेंसेशन के बाद सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में कंडेंसर से बाहर आ रहा है। कंडेंसेशन प्रोसेस में रेफ्रिजरेंट की स्टेट चेंज होती है और ये वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा इस प्रोसेस में रेफ्रिजरेंट लेटेंट हीट रिजेक्ट करता है और इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन प्रोसेस। एक्सपेंशन प्रोसेस को इन दोनों डायग्राम्स में 3-4 से रिप्रेजेंट किया गया है।
पॉइंट थ्री की पोजीशन से हमें पता चलता है कि रेफ्रिजरेंट सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में एक्सपेंशन वाल्व के अंदर एंटर कर रहा है, और पॉइंट फोर की पोजीशन से हमें पता चलता है कि रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन के बाद वेट वेपर स्टेट में एक्सपेंशन वाल्व के बाहर आ रहा है। पर इन वेट वेपर्स में लिक्विड रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जबकि वेपर रेफ्रिजरेंट काफ़ी कम अमाउंट में होता है। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन प्रोसेस। इवेपोरेशन प्रोसेस को इन दोनों डायग्राम्स में 4:1 से रिप्रेजेंट किया गया है। पॉइंट फोर की पोजीशन से हमें पता चलता है कि रेफ्रिजरेंट वेट वेपर स्टेट में इवेपोरेटर के अंदर एंटर कर रहा है, और पॉइंट वन की पोजीशन से हमें यह पता चलता है कि रेफ्रिजरेंट वेट वेपर स्टेट में ही इवेपोरेटर से बाहर आ रहा है। पर जो वेट वेपर पॉइंट फोर पर इवेपोरेटर के अंदर एंटर कर रहे हैं, उनमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट ज़्यादा और वेपर रेफ्रिजरेंट कम होता है, जबकि जो वेट वेपर पॉइंट वन पर इवेपोरेटर से बाहर आ रहे हैं, उनमें वेपर रेफ्रिजरेंट ज़्यादा और लिक्विड रेफ्रिजरेंट कम होता है। इस तरह से इस प्रोसेस में रेफ्रिजरेंट लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है और लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट होता है। T5 डायग्राम में एरिया 1, 2, 3A कंप्रेसर वर्क डन और एरिया 1, 4EF रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली PH डायग्राम में H2-H1 कंप्रेसर वर्क डन और H1-H4 या H1-HF3 रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर COP इन दिस केस विल बी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन और H1-H4 डिवाइडेड बाय H2-H1 और H1-HF3 डिवाइडेड बाय H2-H1 बिकॉज H4 इज इक्वल टू HF3। नाउ वी विल डिस्कस केस 2, दैट इज व्हेन द वेपर इज वेट एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, दैट इज एट पॉइंट 2। सबसे पहले हम गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली पॉइंट्स 1, 2, 3 और 4 को T5 और PH डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि हमने केस 1 में किया था। क्योंकि हमें गिवन है कि कंप्रेशन के बाद यानी पॉइंट टू पर रेफ्रिजरेंट वेट वेपर स्टेट में है, इसलिए हमने पॉइंट टू को वेट वेपर रीजन में मार्क किया है। केस 1 की तरह इस केस में भी कंप्रेशन वर्क डन, एरिया 1, 2, 3A या H2-H1 और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एरिया 1, 4EF या H1-H4 के बराबर है। Therefore, COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन और H1-H4 डिवाइडेड बाय H2-H1 और H1-HF3 डिवाइडेड बाय H2-H1 बिकॉज H4 इज इक्वल टू HF3। नेक्स्ट केस इज केस 3, दैट इज व्हेन द वेपर इज सुपर हीटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। इस केस में भी सबसे पहले हम गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली पॉइंट्स 1, 2, 2-3 और 4 को T5 और PH डायग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि हमें गिवन है कि रेफ्रिजरेंट कंप्रेशन के बाद यानी पॉइंट टू पर सुपर हीटेड स्टेट में है, इसलिए हम पॉइंट टू को सुपर हीटेड रीजन में मार्क करेंगे। इन दिस केस T5 डायग्राम में ड्यूरिंग कंडेंसेशन प्रोसेस 2, 2-3 वेपर्स सबसे पहले सुपर हीटेड टेम्परेचर 2 से सैचुरेशन टेम्परेचर 2- तक कूल होते हैं, और ये सुपर हीटेड वेपर से ड्राई सैचुरेटेड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस 2, 2- के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इसके बाद
ड्राई सैचुरेटेड वेपर्स में से लेटेंट हीट रिमूव होती है और ये वेपर्स कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस केस में बाकी प्रोसेसेस केस वन और केस टू की तरह ही होती हैं और कंप्रेसर वर्क डन एरिया वन टू टू डैश थ्री ए या एच टू माइनस एच वन और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एरिया वन फोर ई एफ या एच वन माइनस एच फोर के बराबर होता है। देयरफॉर सी ओ पी इज इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन इक्वल टू एच वन माइनस एच फोर डिवाइडेड बाय एच टू माइनस एच वन इक्वल टू एच वन माइनस एच एफ थ्री डिवाइडेड बाय एच टू माइनस एच वन बिकॉज एच फोर इज इक्वल टू एच एफ थ्री और एच टू इज इक्वल टू एच टू डैश प्लस सी पी इंटू टी टू माइनस टी टू डैश। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग ऑन सी ओ पी। फर्स्ट इज व्हाट इज सब कूलिंग। जब एक गिवन प्रेशर पर एक्सपेंशन से पहले किसी लिक्विड रेफ्रिजरेंट को इसके कंडेंसेटिंग टेम्परेचर से नीचे किसी भी टेम्परेचर तक कूल किया जाता है तो इसे सब कूलिंग कहते हैं। सब कूलिंग को हम प्री कूलर या हीट एक्सचेंजर की हेल्प से अचीव कर सकते हैं। इस डायग्राम में पी एच डायग्राम को विदाउट सब कूलिंग 1, 2, 3, 4 और विद सब कूलिंग 1, 2, 3-4 से रिप्रेजेंट किया गया है। एज शोन इन फिगर विदाउट सब कूलिंग रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट 4-1 के बराबर है जबकि विद सब कूलिंग रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट 4-1 के बराबर है। इस तरह से रेफ्रिजरेंट की सब कूलिंग करने से रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट 4-4 अमाउंट से इंक्रीज हो गया जबकि दोनों कंडीशंस में वर्क डन सेम यानी 1-2 के बराबर है। क्योंकि सब कूलिंग की वजह से हमें सेम वर्क डन के कॉरस्पॉन्डिंग ज़्यादा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिला है इसलिए हम कह सकते हैं कि सब कूलिंग सी ओ पी की वैल्यू को इनक्रीज़ कर देता है। क्योंकि सी ओ पी इज इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन देयरफॉर मोर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट फॉर सेम वर्क डन मीन्स मोर सी ओ पी। अब हम इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग ऑफ वेपर ऑन सी ओ पी को डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम में विदाउट सुपर हीटिंग पी एच डायग्राम को 1, 2, 3, 4 और विद सुपर हीटिंग पी एच डायग्राम को 1-2-3-4 से रिप्रेजेंट किया गया है। इस तरह से इस केस में रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट 1-1 इंक्रीज हुआ है पर एट द सेम टाइम क्योंकि रेफ्रिजरेंट की एंथैल्पी या टोटल हीट 1 से बढ़कर 1- हो गई है और वेपर सुपर हीटेड स्टेट में है इसलिए इन वेपर्स को कंप्रेस करने के लिए ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। इस तरह से इस केस में रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और वर्क डन दोनों इंक्रीज हुए हैं और अगर वर्क डन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा इंक्रीज होगा तो सी ओ पी इज इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन के अकॉर्डिंगली सी ओ पी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।